तो वही गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज हम फिर से आ चुके एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तो भाई आज हम बताने वाले हैं आपको कैसे बनाना है अपना थंबनेल में ग्लास इफेक्ट, कैसे देना है अपने कैरेक्टर को हाईलाइट किसे करना है। बहुत सारे बंदों को प्रॉब्लम होती है हाईलाइट करने में, और अच्छे से हाईलाइट जो कर सकते हैं वही मैं आपको बताऊँगा। तो भाई इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, आप स्किप करोगे तो भाई आप समझ नहीं पाओगे कि मैंने कैसे अपने कैरेक्टर को अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है। तो भाई इस वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, ताकि भाई मेरे 50 सब्सक्राइबर हो जाए और मैं आपको अपना एक जेपैक्स पैक दूंगा। तो गाइस इस वीडियो का लाइक एम भी बता देता हूँ, आई के एम इस वीडियो का 60 लाइक, इससे ज़्यादा लाइक मैं आपको नहीं बताऊँ कि भाई अभी छोटा है यार, ज़्यादा बड़ा चैनल नहीं हुआ है। तो भाई विदाउट एनी वेस्ट टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना PSCC फोटोशॉप आप खोल लीजिए। तो गाइस हमने अपना PSCC फोटोशॉप को ओपन कर लिया है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, अपना जो थंबनेल है जो आपने प्रिंट किया है वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। और अगर आपको नहीं पता है कि प्रिंट को कैसे ऐड करना है थंबनेल में, आप जैसे ये इफेक्ट देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी वीडियो जल्द से जल्द लाऊंगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ से जो मैंने पहले स्टेप बताए थे वो स्टेप आपको फिर फॉलो करना है, और यहाँ से आपको करना है पॉलीगन सिलेक्शन टूल टू पॉइंट एंटर करना है आपको, और अपने जो कैरेक्टर के हाईलाइट करने हैं आप पिक्सल सेलेक्ट करना शुरू कर देना है। मैं हाईलाइट कह रहा था, गलती से बोला गया, आपको अपने कैरेक्टर के पिक्सल सेलेक्ट करने शुरू कर देना है जल्दी। तो मैं अपने कैरेक्टर को पिक्सल सेलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। गाइस इतना होने के बाद आपको यहाँ से इसे पूरा कनेक्ट कर देना है, ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको करना है सिंपल से यहाँ पर लेयर फॉर सिलेक्शन, और यहाँ से आपको इसे कर लेना है सिंपल से ना जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आपको करना है सिलेक्ट पिक्सेल, एम्प्टी लेयर लेनी है आपको, सिंपल से यहाँ से जाना है फिल एंड स्ट्रोक पर, स्ट्रोक कर देना है, और इसको आपको 5 या 6 के अराउंड रख लेना है। एक मिनट में सही से रख लेता हूँ, इसे 6 के अराउंड रख लेता हूँ मैं, क्योंकि जिसका अगर आपका छोटा है फॉन्ट तो आपको सिंपल से यहाँ 5 रखना है, अगर आपका बड़ा है तो यहाँ पर आपको 6 रखना है। तो मेरा थोड़ा बड़ा है तो मैं 6 रख लेता हूँ यहाँ पर। अब इसे ऐसे ही रहने देना है, अपना वाइट रहने देना है इसे कलर को, और आपको टिक कर देना है सिंपल से। और फिर बाद में आपको जाना है अपने फिल्टर में, स्टेलीज में, ग्लास इफेक्ट में जाना है। यहाँ पर आपको इसे आगे पीछे करना है और चिपचिपा इफेक्ट जो है उसे ले लेना है। यहाँ पर 24 के राउंड पर चिपचिपा इफेक्ट अच्छा है, और आप देख सकते हो कुछ भी आपकी मर्जी से, अपनी मर्जी से आपको चिपचिपा इफेक्ट देना है। यहाँ से आपका जब हो जाएगा इतना होने के बाद आपको फिर से यहाँ पर सेलेक्ट पिक्सल करने हैं, एमपीटी लेयर लेनी है, और फिर से फिल एंड स्ट्रोक में जाना है, और यहाँ से वही जो मैंने आपको बताया था 6 कर लेना है। फिर से यहाँ से आपको कलर कोई सा भी ले लेना है। अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ लाइट चॉकलेटी, टिक कर देता हूँ, फिर वहीं पर ग्लास इफेक्ट में जाके फिर टिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको यहाँ पर जाना है ग्लो इफेक्ट में, और यहाँ से आपको ग्लो इफेक्ट दे देना है जिससे आपका करेक्टर इफेक्टेड है, और इसे 24 के राउंड कर देना है। तो मैंने 24 के राउंड इसे कर दिया है, ठीक करना है। इसके बाद आपको कर लेना है लेमन डॉट ऐड, और आपका जो कैरेक्टर है बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। आप देख सकते हो क्या चमक आ रहे हैं, देख सकते हो भाई क्या चमक आ रही है इसमें। और आप अगर अपने कैरेक्टर को थोड़ा ऊपर करोगे तो और अच्छी सी शाइन आएगी, ये देखिए गाइस। गाइस आप देख सकते हैं क्या अच्छे से आपको यहाँ पर एक ग्लो इफेक्ट देखने को मिलेगा। और गाइस अगर आपको और वीडियोस चाहिए मेरी थंबनेल से रिलेटेड, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो पर लाइक कर देना, और मैंने लाइक किया आपको।
शुरू में बता दिया है। तो भाई सिंपल से आपको वही करना है। और भाई साहब अगर आपको मोन्टाजेस बनाने हैं और उसके ग्रेडियंट चाहिए तो वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगा। तो भाई अभी तक किसी ने मोन्टाज के ओपन नहीं किया, बस एक बंदे ने किया है कि भाई मोन्टाज बनाओ, तो मैं उस बंदे के लिए भी बनाऊँगा क्योंकि एक बंदे ने किया है तो एक बंदे के लिए बनाऊँगा। तो अगर आप दूसरे बंदे कहते दूसरी चीज़ को, दो बंदे कहते तो मैं दूसरी चीज़ बनाता, बट किसी ने नहीं कहा है और एक बंदे ने कहा उसके लिए मैं बनाऊँगा। तो भाई अगर आप भी कह देते हो किसी और चीज़ को, दो बंदे हो गए वोटिंग समझ लो भाई, आप जैसे मैं वोटिंग कर रहा हूँ और जो ज़्यादा जिसकी कमेंट रहेगी मैं वो बनाऊँगा। तो यहाँ से सिंपल से आपको डन करके सेव कर लेना है। अगर आप चाहते हो यहाँ पर पॉइंट वॉरेंट ऐड करना तो आप ऐड भी कर सकते हो, और फिर से अपनी गैलरी में यहाँ से सेव भी कर सकते हो। तो भाई तो कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी है, और भाई चैनल को सब्सक्राइब तो करना भूलना मत, भाई बहुत अच्छी चीज़ें डालता हूँ मैं। तो भाई तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।